अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का छठा सवाल देखेंगे। ए स्टार वाले सवाल हैं, छठा और सातवां। स्टार वाले सवाल जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ट्रिक होती है, कोई बात फंसने वाली होती है, तो कोई वो नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी के साथ सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है एकदम। देखिए सवाल है आपका, एक हिसाबी तसावुद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, इसका 28वां रुकन मालूम कीजिए। सवाल एक जुमले का है, अब देखते हैं इसको हल करते हैं। कह रहे हैं कि हिसाबी तसावुद के पहले 55 अरकान की जमा कितना है, 3300 है, ये दिया हुआ है। n बराबर, हल अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो n बराबर दिया गया है कि 55 अरकान है हिसाबी तसावुद में, और s 55 का की कीमत 3300 दी गई है। तब हमको क्या करना है, इसका 28वां रुकन मालूम करना है, यानी t 28 मालूम करना है। अब हमको जो दिया गया है उससे हम शुरुआत करते हैं। s 55 दिया गया तो sn का जाप्ता लगाते हैं। sn का जाप्ता आपको याद होना चाहिए, sn बराबर n बटे 2। जरब 2a जमा n नफी 1 जरब d, और एक और इस तरह से बंद हो जाएगा। जो कीमत मालूम है इसके अंदर रख देंगे, कितना n के जहाँ पर 55 है, s 55 हो जाएगा बराबर 55/2 2a जमा n की जहाँ पर 55 हो जाएगा नफी 1 और जरब d। जो जो चीज़ मालूम है उसकी कीमत इसमें रख दी जाएगी। s 55 की कीमत मालूम है हमको 3300, रख देंगे 3300 बराबर 55/2 और इक्कीस में जितना है 2a जमा 55 में से एक निकल गया, 54 हो जाएगा 54d। अब ये 2 से इधर तिरछी जरब हो जाएगा ये, और 55 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3300 जरब 2/55 बराबर 2a जमा 54d। अब हमारा यहाँ पर 11 के पारे से कटेगा, 11 × 55 और 11 × 3 = 33, 2 जीरो बच जाएगा। 5 के पारे से फिर वापस से कटेगा, 5 × 5 5×6 = 30 और 1 जीरो बच जाएगा। 2 को जब 60 से जरब करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 बराबर हो जाएगा 2a जमा 54d। ये मसावात नंबर 1 कर लेते हैं, या ये पूरी मसावात 2 से तकसीम हो रही है तो 2 से तकसीम कर देते हैं इसको। 2 से तकसीम करने पर, या इसे सामने लिख देते हैं, 2 से तकसीम कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, इसको 2 से तकसीम करेंगे तो 120/2 बराबर 2a/2 जमा 54d/2। 2 से तकसीम करने का मतलब हर रुकन को 2 से तकसीम किया जाए, तो हो जाएगा हमारा, इसको 60 हो जाएगा तकसीम करने पर, बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a जमा 2 से इसको काटेंगे, 2 × 2 = 4 और 1 बचेगा, 2 × 7 = 14 और d, ये 2×2। ये मसावात नंबर, अगर हम एक इसको भी ले लेते हैं। अब हमको क्या मालूम करना है, t 28 मालूम करना है, कितना t 28, तो tn का जाप्ता लिखेंगे इसमें। tn का जाप्ता याद होना चाहिए, tn बराबर a जमा
एन नफी एक जरब डी। कीमत रख देंगे टी 28, मालूम करना है हमको, बराबर ए जमा एन की कीमत मालूम हमको, यहाँ से 28 की जहाँ पर एन बराबर 28 है तो नफी एक जरब डी हो जाएगा। अभी हो जाएगा हमारा टी 28 बराबर ए जमा 28 में से एक निकलेगा 27 हो जाएगा डी। अब मसावात नंबर दो इसको रख देते हैं। मसावात नंबर एक और दो को हम देखते हैं तो दोनों का दाहिना हिस्सा जो है एकदम बराबर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मसावात नंबर एक और दो से क्या हो जाएगा टी 28 बराबर इसकी जहाँ पर इसमें आया है 60, तो हमको ये आंसर मिल जाएगा कि उस हिसाबी तसाउद का 55 रुकन की जमा 3300 होगी जिसका 28वां रुकन 60 होगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। फिर इसका दूसरा सातवां सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सातवां, एक हिसाबी तसाउद के मतवातिर तीर अरकान की जमा 27 और उनका हासिल जर्ब 54 है, एक 504 है, वो अरकान मालूम कीजिए। तो किताब में हिंट में दिया गया है कि आपको ये इस्तेमाल करना है कि फ़र्ज़ किया कि तीन मुसलसल अरकान ए नफी डी ए और ए जमा डी है, तो दी गई शर्त के मुताबिक क्या कहा गया है, शर्त के मुताबिक मतवातिर अरकान की जमा तीनों अरकान की जमा कितना है 27 है, तो ए नफी डी पहला अरकान फिर जमा ए जमा ए नफी डी बराबर 27, ये दिया हुआ है। तो इसको जब जमा करेंगे तो डी यहाँ पर जमा है डी, तो डी नफी और डी जमा कट जाएगा, ए ए ए मिलकर के 3A हो जाएगा, 3A बराबर 27, तो इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा 27/3, तो A बराबर हो जाएगा 3 × 3, 3×9, 27, A बराबर 9 आ जाएगा। दूसरी शर्त में दिया गया है और इनका हासले जर्ब 504 है, यानी कि इनको जब जर्ब किया जाता है तो क्या है और इनका हासले जर्ब कितना है ए नफी डी जरब ए जरब ए जमा डी बराबर 504 है। यहाँ पर एक जाप्ता हमको आना चाहिए कि ए नफी डी है और ए जमा डी है, यहाँ पर एक जाप्ता होता है हमारा, ये हमको मालूम होना चाहिए कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम क्या जाप्ता लिखते हैं, ए जमा डी ए जमा बी और ए नफी बी बराबर ए का मुरब्बा नफी बी का मुरब्बा होता है। अगर ये जाप्ता याद है तो सामने भी लिख सकते हैं, जाप्ता नहीं लिखेंगे तब भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं कि ये जाप्ता है हमारा, तो इसकी जहाँ पर इस कॉस की जहाँ पर ए नफी डी और ए जमा डी को हम क्या लिख सकते हैं ए का मुरब्बा नफी डी का मुरब्बा, और यहाँ ए बाहर है इसके कॉस के बाहर हो जाएगा, ये बराबर 504 आ जाएगा। अब ये हमको मालूम, ये मालूम है हमारा यहाँ पर 9 आ गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 कॉस में 9 का मुरब्बा हो जाएगा नफी डी का मुरब्बा बराबर 504। इस 9 को इसके नीचे ले लेते हैं तो ये 9 का मुरब्बा 81 हो जाएगा माइनस डी का मुरब्बा बराबर 504/9, कितना हो जाएगा ए 9 से कट जाएगा, 9×5 = 45, कितना बचेगा 5 बचेगा, 54 हो जाएगा, 9×6 = 54, 56 हो जाएगा, और 81 को हम उधर ले जाते हैं क्या हो जाएगा, इसलिए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 56 नफी 81, 56 में से ए डी में नफ़ी है तो ये नफ़ी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा
छप्पन में से 81 नफ़ी करना है, नफ़ी नहीं होगा तो 81 में से 56 को नफ़ी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 11 में से 6 निकलेगा 5, और फिर यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 5 निकलेगा 2, और ये नफ़ी हो जाएगा, दोनों तरफ से नफ़ी नफ़ी कैंसिल हो जाएगा। दोनों तरफ से हम नफ़ी नफ़ी कैंसिल कर लेंगे, और यहाँ से फिर से देखते हैं जगह बना करके, थोड़ा सा नीचे दिखने में दिक्कत होगी, तो हो जाएगा डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो डी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 5, 25 का जजू मुरबा प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब डी की कीमत हमारी कितनी आई, माइनस 5, प्लस और माइनस 5, एक बार प्लस 5 लिया जाएगा और एक बार माइनस 5 लिया जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि जब ए बराबर 9 आया हमारा और डी बराबर हम 5 ले रहे हैं, तब हमारा अरकान क्या हो जाएगा, पहला क्या है हमारा ए नफी डी, ए नफी डी बराबर कितना हो जाएगा, 9 नफी 5 बराबर 4 आ जाएगा। फिर दूसरा तो ए है ही हमारा, ए बराबर 9 आ गया, और ए जमा डी जो है हमारा कितना हो जाएगा, 9 जमा 5 बराबर 14, तो एक रुकन 4, 9 और 14 हो जाएगा। या जब हम क्या लेंगे, डी बराबर नफी 5 लेंगे और ए बराबर कितना लेंगे, 9, ए की 9 कीमत रहेगी और डी की कीमत नफ़ी में लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ए नफी डी बराबर हो जाएगा, एक कीमत 9 है, नफी डी की कीमत नफी 5 ली जा रही, तो नफी 5 ये मिलकर के हो जाएगा 9, नफ़ी और नफ़ी मिलकर जमा हो जाएगा 5 बराबर 14 हो जाएगा। और फिर इस ये तो है आपका 9 है ही, फिर ए जमा डी ये बराबर हो जाएगा 9 जमा नफ़ी 5, तो ये नफ़ी हो जाएगा, ये बराबर 4 हो जाएगा। तो इसलिए आपका तवातर क्या हो जाएगा, हिसाबी तसाउद, 4 9 14 या क्या हो जाएगा, 14 9 4 14 9 4, ये आपके 3 अरकान हो जाएंगे हिसाबी तसाउद के, जो मुसलसल तनासुब में क्या नाम है, हिसाबी तसाउद में है। आंसर में आपको ये दोनों लिखना होगा कि 4 9 14 या 4 9 14, 14 9 4 या 4 9 14, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसका 8वां सवाल देखेंगे, यहाँ पर 6 7 8 9 ये सब स्टार वाले सवाल हैं और सब के सब इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं या 4 नंबर में, क्योंकि ये तमाम सवाल जो हैं कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हर सवाल एक से ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है। पिछले साल शायद 7वां पूछा गया था 2020 में, 19-20 में, तो 6ठा सवाल भी कई बार पूछा गया है इससे पहले साल में भी, 7वां 8वां कोई भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। इसलिए आप इन चारों सवाल को ख़ास तौर पर देखिएगा। 8वां सवाल है, एक हिसाबी तसाउद के मतवातिर 4 अरकान की जमा 12 है, इन 4 मतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, वो 4 अरकान मालूम कीजिए। इसमें भी 7वीं तरह की तरह से सवाल में हिंट दिया गया है कि फ़र्ज कीजिए कि 4 मतवातिर अरकान ये हैं, ए नफी ए डी, ए जमा डी और ए जमा 2D हैं, तब आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। या ऐसे भी आप फर्ज कर सकते हैं, ए से शुरू करते हैं तो ए जमा 3D तक आप पहुंच सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दिया गया है कुछ सहूलियत के लिए दिया गया होगा, इसलिए इसी तरीके से हम करेंगे। तो पहली शर्त इसमें दी गई है, एक हिसाबी तसाउद के मतवातिर 4 अरकान की जमा 12 है, यानी कि सबको जब जमा करते हैं, पहली शर्त दी गई है इसमें, हल में लिखेंगे पहली शर्त,
से सबको जमा जब किया गया है तो ए नफी डी है पहला रुकन, जमा ए, ए जमा, ए जमा डी और जमा ए जमा टू डी, ए बराबर 12 दिया गया है। जमा कर लेंगे, एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, चार ए आ गया हमारा। डी नफी में और डी जमा में कट जाएगा और यहाँ पर दो डी और बच रहा है, ये जमा दो डी हो जाएगा बराबर 12। अगर हम इसको दो से तकसीम कर देते हैं तो ये हो जाएगा दो ए जमा डी बराबर 6। इसको मसावत नंबर एक कर लेते हैं, यहाँ लिख दें दो से तकसीम करने पर। अब फिर दूसरी शर्त दी गई है, इन चार मतवारिद अरकान में तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है। दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है हमारी, तीसरे और चौथे अगर गिनते हम, पहला रुकन, दूसरा रुकन, तीसरा, ये आपका ए जमा डी और चौथा ए जमा टू डी, ए बराबर 14 दिया गया है। अब इसको जमा कर लेते हैं तो ए और ए दो, दो ए हो जाएगा, जमा डी और दो डी तीन डी हो जाएगा बराबर 14, ये मसावत नंबर दो हो जाएगी। अब मसावत नंबर एक और दो को देखते हैं हम, तो दोनों में ए का जरीब बराबर दिख रहा है, दोनों में ए दो ए है, तो इसको नीचे ऊपर लिख करके दोनों मसावत को हमजाद मसावत की तरह से हल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा। पहली मसावत को हम लिखते हैं यहाँ पर, दो ए जमा डी बराबर 6 पहली मसावत, और दो ए जमा तीन डी बराबर 14, ये दूसरी मसावत। अब दोनों के जरीब बराबर हैं लेकिन क्या है, अलामत एक जैसी है, तब हमको क्या करना रहेगा, इसको नफ़ी करना रहेगा, तफरीक करना रहेगा, और तफरीक करते हुए क्या किया जाता है, नीचे की अलामत बदल दी जाती है, ये नफ़ी हो जाएगा, ये भी नफ़ी हो जाएगा, ये भी नफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तफरीक करने पर या नफ़ी करने पर, और अब जो तफरीक करने पर जो आ जाएगा, ये दो ए और दो ए कैंसिल हो जाएगा, अब ये डी में से तीन डी नफ़ी होगा तो नफ़ी दो डी बचेगा, और छः में से 14 नफ़ी होगा तो नफ़ी 8 बच जाएगा। तो इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा, d माइनस माइनस काट सकते हैं यहाँ से, या नफ़ी d बराबर नफ़ी दो रख दें तो नफ़ी नफ़ी कट जाएगा, दो इक्का दो, दो चौका 8, d बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4। फिर इस d की कीमत हम मसावत नंबर एक में रख दें या मसावत नंबर दो में रख दें, हमको a की कीमत मालूम चल पड़ जाएगी, तो d बराबर यहाँ पर लिखते हैं कि d की कीमत मसावात नंबर एक में रखने पर, मसावात नंबर एक क्या है हमारा, यहाँ से ले लेते हैं दो ए जमा डी बराबर 6। अब इसमें डी की जहाँ पर 4 रखना है तो दो ए जमा 4 बराबर 6, 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा दो ए बराबर हो जाएगा 6 नफी 4 और दो ए बराबर हो जाएगा 2, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 2/2, दो इक्का दो, दो इक्का दो, a बराबर 1 आ जाएगा। अब आपका a बराबर 1 आ गया और d बराबर 4 आ गया, इसी की कीमत जो है रख लेंगे इसमें। पहला रुकन हमारा क्या है यहाँ पर, पहला रुकन है हमारा a नफी d, दूसरा रुकन है a, तीसरा रुकन है ए जमा डी और चौथा रुकन है ए जमा दो डी, ये सब की कीमत इसमें रख देंगे ए और डी की। ए कितना है 1,
नफी चार, बी की कीमत है ये नफी तीन हो जाएगा। ए बराबर हमारा पहला रुकन जो आ जाएगा ए एक हो जाएगा, फिर बराबर ए जमा डी यानी कि ए एक है और जमा डी चार है, ये बराबर पाँच हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा ए जमा दो जरब चार, तो ये बराबर हो जाएगा ए जमा सॉरी ए की जहाँ पर एक लिखेंगे, एक जमा दो चौका आठ हो जाएगा, ए बराबर नौ हो जाएगा। इसलिए हमारा हिसाबी तसावुत क्या हो जाएगा कि चार अरकान क्या हो जाएंगे, नफी तीन एक पाँच और नौ। इसलिए हिसाबी इसलिए चार मतवातिर अरकान क्या हो जाएंगे, नफी तीन एक पाँच और नौ है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है, ये आपका कभी न कभी बोर्ड में पूछा गया है। अब आठवां सवाल देखेंगे, नौवां सवाल है एक हिसाबी तसावुत का नौवां रुकन ज़ीरो है, सिफर है, तो दिखाइए कि उनतीसवां रुकन उन्नीसवें रुकन का दो गुना है। क्या दिया गया है, नौवां रुकन जो है सिफर दिया गया है, हल में हम लिखेंगे जो दिया रहेगा सवाल में उसको देख पढ़ करके लिख लेंगे, कितना दिया गया है टी नौ बराबर ज़ीरो, नौवां रुकन का मतलब टी नौ। और हमको दिखाना है कि शो करना है दिखाना है कि टी उन्नीस किसके बराबर हो जाएगा, टी उनतीस। अब देखिए क्या कहा गया है, उनतीसवां रुकन उन्नीसवें रुकन का दो गुना हो जाएगा। उन्नीसवें रुकन का दो गुना का मतलब कि उन्नीस में इसमें दो से जब जरब कर देंगे तब इसके बराबर हो जाएगा। ये हमको दिखाना है कि दो जरब उन्नीसवां रुकन बराबर टी उनतीस, उनतीसवां रुकन। तो हम शुरू करते हैं जहाँ से हमारा दिया गया है टी नौ दिया गया है, तो यहाँ से टी एन का जाप्ता लिखेंगे। टी एन का जाप्ता क्या होता है हमारा, टी एन बराबर ए प्लस एन नफी वन इंटू डी। अब टी नौ यानी नौ यानी कि जहाँ पर नौ दिया गया है और टी नाइन बराबर ज़ीरो दिया गया है, ये दोनों कीमत इसमें रख देते हैं। टी नाइन बराबर ए जमा नौ नफी एक जरब डी, टी नाइन की जहाँ पर ज़ीरो दिया गया है तो ज़ीरो बराबर ए जमा आठ डी। ये मसावत नंबर एक ले लेते हैं, दी गई शर्त के मुताबिक ये आया हमारा। अब फिर इसी तरह से टी उन्नीस निकाल लेते हैं और टी उनतीस निकाल लेते हैं, तो इसलिए टी उनतीस उन्नीस कितना हो जाएगा, टी उन्नीस बराबर हो जाएगा हमारा ए, तो वैसे लिखा जाएगा ए जमा एन की जहाँ पर 19 नफी एक जरब डी, तो ये कितना हो जाएगा टी 19 बराबर ए जमा कितना हो जाएगा 18 डी। ये मसावत नंबर दो हो गई। फिर इसी तरह से और निकाल लेंगे टी 29 बराबर ए जमा 29 नफी एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा इंटू डी, तो टी उनतीस बराबर हो जाएगा कितना ए जमा 28 डी। ये मसावत नंबर तीन हो गया। अब तीनों मसावत को अगर हम गौर से देखते हैं तो ए जमा डी बराबर कितना है ज़ीरो है और ए जमा 18 डी बराबर कितना है टी उन्नीस है और ए जमा अट्ठाईस डी बराबर टी उनतीस आ रहा है। अब इन तीनों को देख करके हमको यही दिखा देना है यहाँ पर। अब हम दूसरे और तीसरे मसावात को इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए जमा 18 को ए जमा 8 की शक्ल में एक और दूसरा कुछ भी आए उसको उस तरह से तब्दील कर लेंगे, तो इसलिए
हम टी 19 को लिख सकते हैं ए जमा एक 8D बनाना है कि क्योंकि हमको 8D की कीमत मालूम है। तो हमने यहाँ से लिया ए जमा 18 में से 8 निकाल लिया, कितना बचा 10, तो जमा 10D और अलग से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा टी 19 बराबर, इसकी कीमत 0 आई है हमारी, 0 जमा 10D। अभी मसावत नंबर अगर हम 4 ले लेते हैं, और इसी तरह से इसमें अगर हम इसको भी क्या करें, 8 ए जमा 8 ए की शक्ल में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा टी 29 बराबर हो जाएगा ए जमा 8D। अब 8 निकल गया इसमें से, 28 में से कितना बचा 20 डी। तो ए जमा 8D की जहाँ पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा टी 29 बराबर कितना हो जाएगा 0 जमा 20D। तो इसलिए टी 29 बराबर हो जाएगा 20D। अब 20D को हम 10D की शक्ल में लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा टी 29 बराबर 2 जरब 10D। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 20 को 2 जरब 10D, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर टी 19 बराबर आया है 10D। ये चौथी मसावात इसको हम ले लेते हैं, और इसको पांचवी मसावात ले लेते हैं। तो 4 और 5 से क्या हो जाएगा, इसलिए टी 29 ये तो है ही बराबर 2 जरब टी 10D की जहाँ पे क्या लिख देंगे हम टी 19, और यही हमको साबित करना था। ये इधर लिखा हुआ है, ये इधर लिखा हुआ है, तो लिखेंगे साबित हुआ या यही साबित करना था, यही दिखाना था।